हेलो गाइस, आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा मोटो एज 40 न्यू 5G फ़ोन है, तो मोटो एज 40 न्यू 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारा फ़ोन है तो सिस्टम्स की आप ऑल सेटिंग्स को आप कैसे रीसेट कर सकते हैं अपने मोटो फ़ोन में, और कैसे आप सिस्टम ऑल सेटिंग्स को रीसेट कर पाएंगे, तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही यार आइकन्स ओपन हो जाएंगे। फिर आपको जाना है सेटिंग्स पे और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। फिर हमारे फ़ोन में जो ऑप्शन आता है कैसे आप फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर इसका यूज़ कर सकते हैं, सिंपली आपको जाना होगा सिस्टम सेटिंग पे। सिस्टम सेटिंग्स पे आपको क्लिक कर देना है। सिस्टम सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। ओपन होती हम ऑल सिस्टम सेटिंग्स को रीसेट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। सिंपली इस पे जाएंगे, जो भी ऑल सिस्टम सेटिंग्स या पूरी फ़ोन की सेटिंग्स को आप रीसेट करना चाहें तो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप सिस्टम्स की ऑल सेटिंग्स को आप इस ऑप्शन के ज़रिए रीसेट कर पाएंगे। और साथ में ही आपको ऑप्शन नहीं मिलता है तो यहाँ से भी आप सर्च करके सेटिंग्स पर जा सकते हैं। आपको सर्च करना रीसेट, तो रीसेट का ऑप्शन आ जाएगा। तो रीसेट ऑप्शन का यूज़ करके भी आप सिस्टम्स की ऑल सेटिंग्स को रीसेट कर सकते हैं मोटो फ़ोन में। सिंपली रीसेट ऑप्शन पर जाएंगे तो यहाँ से भी आप सिस्टम ऑल सेटिंग्स वगैरह को रीसेट कर पाएंगे सर्चिंग सेटिंग्स पर जाकर। या फिर आपके पास ऐप परफॉर्मेंस सेटिंग्स आती है, यहाँ से ऐप परफॉर्मेंस सेटिंग्स को भी आप रीसेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ऑल सिस्टम सेटिंग्स को रीसेट कर सकते हैं मोटो एज 40 न्यू 5G फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू।